हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है और यहाँ तमाम स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू देखनी है, कहाँ डुप्लीकेट वैल्यू आया हुआ है। तो आप कई तरीके से इसे देख सकते हैं, यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी जाके देख सकते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, फिलहाल हमें करना क्या है, इस समय हमें यूज़ करना है डेटा वैलिडेशन का। तो यहाँ से डेटा पे जाइए और यहाँ से आ जाइए आप डेटा वैलिडेशन पर। ये देख रहे हैं डेटा वैलिडेशन, पहले मैं दिखा देता हूँ। अगर इसमें डेटा वैलिडेशन हमने लगा रखा है तो अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू लिखता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ SURAJ सूरज लिखा और सूरज एक डुप्लीकेट वैल्यू है तो ये लिख के आ रहा है नॉट वैलिड। ठीक है, और फिर अगर मान लीजिए कोई और डुप्लीकेट वैल्यू है जैसे कि ये राजू है तो ये दोबारा से राजू एंटर करेंगे तो भी यही मैसेज आ जाएगा। तो अभी ये किया कैसे मैंने वो आपको बताता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं सेम डेटा हमने यहाँ पर भी ले रखा है और अब हमें करना क्या है, इस पर हमें वो वैलिडेशन लगाना है कि हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ना कर पाए। तो इसका कई तरीका हो सकता है, यहाँ पर दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे सेलेक्ट करके तो ये डुप्लीकेट वैल्यू हट जाएंगी। लेकिन हमें डेटा वैलिडेशन के थ्रू ये करना है कि हम यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू एंटर ही ना करने दें, हमें हटाना ही नहीं है, हम एंटर ही नहीं होने देना चाहते हैं। तो इस पूरे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए, ये पूरा कॉलम ही हमने सेलेक्ट किया, कॉलम हेडिंग पे क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और सेलेक्ट करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे चले जाइए और यहाँ से जाने के बाद ये विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ पे कस्टम पे आ जाइए और कस्टम पे आने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला को यूज करना है और ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइप करना है यहाँ काउंट इफ्स, ठीक है, तो इज इक्वल टू काउंट इफ्स लगाइए CONTIFS। तो काउंट इफ्स लगा लिया हमने और काउंट इफ्स लगाने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे डेटा को कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, अब ये A:A आप हाथ से भी टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद एक कॉमा और लगाना है आपको, देखिए यहां पर, और कॉमा लगाने के बाद आपको क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद आपको देखना है कि आपका ये किस में है, ये जो हेडिंग है ना ये किस में है, आप इसी हेडिंग को सेलेक्ट कर दीजिए। तो ये A1 में दिख रहा है हमें, अब इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और इज इक्वल टू 1 लिख दीजिए, यहाँ पे ये 1 लिख दिया। अब आ जाइए एरर मैसेज में, ठीक है, यहां पे लिख दीजिए डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, ये लिख दिया। ठीक है, और यहां पर इनवैलिड लिख दीजिए इनवैलिड। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं, यहां पर जाकर इनपुट मैसेज में भी चाहे तो दे सकते हैं कि इनवैलिड डाटा, इनवैलिड और डुप्लीकेट डाटा, डुप्लीकेट डाटा, ये लिख दिया हमने कुछ इस तरीके से। तो इनवैलिड और डुप्लीकेट डाटा हो गया, ये डबल भी हो गया, ये एक भी हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर जब आप आते हैं और इस रेंज में अगर आप कोई भी डुप्लीकेट डाटा एंट्री करते हैं, जैसे कि ये तो पहले से एंटर हुआ पड़ा है राम, इसको मैं अगर हटाता हूँ और दोबारा से यहाँ राम लिखता हूँ, ठीक है, RAM राम लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर लिख रहा है डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, देख रहे हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है, और यहाँ पर दूसरा कोई नाम लिखते हैं जैसे कि राहुल लिखते हैं, देखते हैं इसको अलाउ करता है या नहीं। तो डुप्लीकेट्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, नीचे आपको दिख ही रहा है इनवैलिड और डुप्लीकेट्स डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है और एंटर प्रेस करेंगे तो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो ये आसानी के साथ कर सकते हैं, आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे।